नमस्ते, आज अपन बैंगन की सब्जी बनाने वाले हैं और ये शादियों में बनती है ये बैंगन की सब्जी और भंडारे में भी ऐसे ही सब्जी बनाते हैं। तो चलिए अभी कैसे बनाते हैं बैंगन की सब्जी देख लेते हैं। मैंने ये सामग्री ली है, धनिया लिया है, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन लिया है, चार मिर्ची ली है, कोबरा लिया है और ये मूंगफली के दाने लिए आधी कटोरी। इसको अपन दरदरा सा ऐसे पीस लेते हैं। मूंगफली को अच्छे से दरदरा सा पीस लिया है मैंने और एक कटोरी में निकाल लेते हैं अपन। अभी अपन ये मसाले भी इसमें पीस लेते हैं। लहसुन मिर्ची इसको बारीक तोड़ लेती हूँ मैं ताकि वो अच्छी तरह पीस जाए। अभी अपन धनिया भी इसमें डाल देते हैं और ये खोबरे को अपन काट लेते हैं। इसको मैंने भुना नहीं है, ऐसे ही कच्चा खोबरा अपन पीस लेते हैं। इसके बारीक बारीक ऐसे टुकड़े करना है। अदरक को भी मैंने छील लिया है और इसको भी अपन ऐसे बारीक बारीक काट लेते हैं। देखिए ऐसे। अभी अपन मिक्सर में पीस लेते। मिक्सर में पीस लिया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है मैंने दरदरा सा। आधी कटोरी मैंने मूंगफली के दाने पीस लिए हैं दरदरे से और अपना मिश्रण भी तैयार है। अभी मैंने चार बैंगन लिए हैं, चलिए अभी बैंगन काट लेते हैं। मैंने ये बैंगन लिए हैं और बैंगन को अपन काट लेते हैं। देखिए ऐसे काटना है बैंगन को। सारे बैंगन अपन ऐसे ही काट लेते हैं। मैंने एक कटोरे में पानी लिया है ताकि वो बैंगन काले ना पड़े। बैंगन अपन ऐसे ही बारीक बारीक काट लेते हैं। आपको जैसे काटने हैं बैंगन वैसे काट सकते हो। ये देखिए ऐसे बारीक बारीक काट लिए हैं मैंने बैंगन। और ये रेसिपी बना के जरूर देख लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए मैंने एक प्याज लिया है, इसको भी अपन काट लेते हैं। इसके पहले छिलके निकाल लेते हैं। आउटसाइड काट लिया है मैंने, अभी इसका छिलका निकाल लेते हैं। इसको भी ऐसे बारीक काट लेंगे अपन। देखिए ऐसे मैंने स्लाइस वाले प्याज काट लिए, अभी बारीक काट लेते हैं अपन। आपको जैसे प्याज रखना है वैसे रख सकते हो, डाल सकते हो सब्जी में। एक टमाटर लिया है, इसको भी अपन बारीक काट लेते हैं। ऐसे बारीक बारीक मैंने टमाटर भी काट लिया है। एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है। और चलिए अभी अपन ने ये सामग्री ली है सारी, बैंगन और मिश्रण भी तैयार है, मूंगफली के दाने भी पीस के तैयार है। और चलिए अभी गैस चालू कर लेते हैं। कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे अपन। इसमें थोड़ा सा जीरा राई डालेंगे, तड़का लग चुका है। अभी अपन ने जो मिश्रण पीसा था वो भी इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह भून लेते हैं मसाले को। देखिए ऐसे भुनना है अच्छी तरह। इसमें अभी अपन प्याज भी डाल देते हैं और टमाटर भी। एक प्याज एक टमाटर है, इसको अच्छी तरह भून लेते हैं अपन। देखिए ऐसे मिक्स करना है अच्छी तरह। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ,
एक चम्मच धनिया पाउडर और डेढ़ चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह भून लेते हैं मसाले को। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अपना मसाला जले ना, नीचे लगे ना, और अच्छी तरह मसाले को पकने देते हैं। इसमें एक चम्मच में नमक डाल रही हूँ। आप भी आपके स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अभी अपन ये बैगन भी, इसमें मसाला अपना बन के रेडी है और बैगन भी अपन कढ़ाई में डाल देते हैं। देखिए मसाले का पूरा तेल ऊपर छूट चुका है और बैगन भी अपन इसमें डाल देते हैं। ये देखिए अभी अपन मिक्स कर लेते हैं बैगन को मसाले में। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी, भंडारे जैसी सब्जी बनाई मैंने। आप जरूर बना के देख लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी तरह मिक्स करना है 5 मिनट तक, इसको परतते रहना है बैगन को। इसमें अपन आधी कटोरी मूंगफली के दाने दरदरे से कूट लेते, वो भी डाल देते ऊपर से। अच्छी तरह मिक्स कर लेते और 5-7 मिनट के लिए इसको बैगन को ऐसे परतते रहना है मसाले में। देखिए ऐसे सारा मिक्स हो गया मसाला अपना। अभी अपन 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं बैगन को और 10 मिनट के लिए ढक्कन रख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं अपने और देखिए अपने बैगन की सब्जी बनके रेडी है। देखिए बहुत सुंदर लग रही है सब्जी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए ऐसे जरूर बना के देख लीजिए। अभी अपनी सब्जी बन के रेडी है। ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।